नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ सौरभ त्रिपाठी। वक्त हो चला है बड़े बहस की। बात होगी लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी का हाई वोल्टेज ड्रामा का। दरअसल पहले चरण के चुनाव के नामांकन का आज आखिरी दिन था। समाजवादी पार्टी ने रामपुर सीट पर मचे सियासी घमासान के बीच मोहिबुल्लाह नदवी को बताया जा रहा है कि प्रत्याशी घोषित कर दिया है। हालांकि इससे पहले ही आजम खान के करीबी आसिम रजा को नामांकन पत्र खरीद लिया था। ऐसे में सपा के अंदर मची कलह और सियासी ड्रामा का उजागर होना लाजिमी था। वहीं मुरादाबाद सीट से एसटी हसन की ओर से नामांकन रद्द करने के लिए डीएम को भेजे गए एप्लीकेशन के साथ ही सस्पेंस खत्म हो गया। अब समाजवादी पार्टी से रुचि वीरा को चुनावी मैदान में उतार दिया गया। हालांकि रामपुर लोकसभा सीट को लेकर समाजवादी पार्टी में असमंजस के बीच मोहिबुल्लाह नदवी को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। मोहिबुल्लाह नदवी नई दिल्ली जामा मस्जिद के शाही इमाम है। वहीं आजम खान के करीबी सपा नेता आसिम रजा के नामांकन के बाद सपा के बीच कलह खुलकर सामने आ रही है। आसिम रजा आजम खान के चहेते हैं। हालांकि इससे पहले रामपुर से आजम खान ने अखिलेश यादव से चुनाव लड़ने की मांग की थी। ऐसे में समाजवादी पार्टी में हाई वोल्टेज ड्रामा को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बीजेपी और समाजवादी पार्टी की प्रतिक्रिया सुनवाते हैं और इंडिया न्यूज की रिपोर्ट भी दिखाते हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है और हमारी पार्टी में मेरे जैसे एक छोटे कार्यकर्ताओं को भी अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है, संपूर्ण अधिकार है। जहां तक रामपुर और मुरादाबाद की टिकट की बात है तो वहां पर अब जो है पूर्ण विराम लग चुका है। कौन हमारा वहां से प्रत्याशी होगा अभी शाम तक आपको पता चल जाएगा। हाँ, कुछ कार्यकर्ताओं ने वहां पर अपने सुझाव दिए थे जिसपे गंभीरता से विचार हो रहा था, लेकिन अब उस पर मोहर लग चुकी है। हम भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है जहां फरमान जारी होता है और उस फरमान के बाद किसी भी कार्यकर्ता या किसी बड़े नेता की भी हिम्मत नहीं होती कि उस पर प्रश्न चिन्ह लगा सके। समाजवादी पार्टी मजबूती से 2024 का चुनाव लड़ के भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से ही नहीं देश से बाहर करने वाली। प्रदेश में अखिलेश यादव असमंजस की स्थिति से गुजर रहे हैं। उनके पास प्रत्याशी नहीं है। कभी किसी को उतारते हैं और कभी किसी को हटाने की योजना बनाते हैं, फिर उसी को उतारते हैं। मुझे लगता है जनता जनार्दन है और वो देख रही कि चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर है कि व्यक्ति जो 5 साल मुख्यमंत्री रह चुका और इतनी बड़ी पार्टी का एक तरह से मुखिया है, जिसकी कई बार सरकार रह चुकी, उसको आज प्रत्याशी ढूंढे नहीं मिल सकते, या प्रत्याशी चयन में उनकी जो भूमिका है वो बहुत ही अलग टाइप से दिख रही है। जब प्रत्याशी ही डिसाइड नहीं कर सकती पार्टियां, तो जनता का विश्वास कैसे हासिल कर सकती है। मुझे लगता है अखिलेश यादव जो पिछली बार 5 सीट जीते थे वो शून्य की तरफ जाती दिख रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और पूर्व मंत्री आजम खान आमने सामने आ गए हैं। आजम खान चाहते थे कि रामपुर और मुरादाबाद से उनका पसंदीदा प्रत्याशी चुनाव में आए, लेकिन अखिलेश यादव ने उनकी बात नहीं मानी। आजम खान चाहते थे कि रामपुर में अखिलेश यादव खुद चुनाव लड़े या उनके परिवार का कोई प्रत्याशी उतरे। अब ऐसे में बात ये भी है कि जिस तरीके से हाल ही में जब अखिलेश यादव सीतापुर जेल में आजम खान से मिलने गए थे तो उन्होंने अखिलेश को अपनी मंशा से अवगत भी करा दिया था, जिसके बाद उन्होंने मुरादाबाद से रुचि वीरा का नाम प्रस्तावित किया। आजम खान चाहते थे कि रुचि वीरा मुरादाबाद से चुनाव लड़े, लेकिन अखिलेश यादव मौजूदा सांसद एसटी हसन को ही प्रत्याशी बनाना चाहते थे। अब रुचि वीरा और एसटी हसन दोनों ने नामांकन कर दिया है और अखिलेश यादव के करीबी लोग कह रहे हैं कि रुचि वीरा बिजनौर की रहने वाली हैं और यहां से ही हसन ही मजबूत कैंडिडेट होंगे। वहीं रामपुर में आजम खान के करीबी आसिम रजा ने नामांकन का पर्चा खरीद लिया है और अखिलेश यादव ने दिल्ली पार्लियामेंट्री स्ट्रीट की जामा मस्जिद के इमाम मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी को प्रत्याशी बना दिया। इससे रामपुर में विवाद शुरू हो गया है और अब इसका सीधा सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलता दिख रहा है। बीजेपी ने रामपुर से सांसद घनश्याम लोधी और मुरादाबाद से पूर्व सांसद सर्वेश सिंह को प्रत्याशी बनाया है और सपा में वोटों का बंटवारा बीजेपी को सीधा फायदा दिला सकता है। तो जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की इंटरनल पॉलिटिक्स चल रही है, एक तरफ जहां अखिलेश यादव और पूर्व मंत्री आजम खान अब आमने सामने आ गए हैं, दोनों में
प्रॉपर वार्तालाप से एक नतीजा नहीं निकल पा रहा है, तो देखने वाली बात यह होगी कि अब जहां भारतीय जनता पार्टी के ऑलरेडी कैंडिडेट्स यहां से जमीन पर यानी कि मैदान में हैं, और जिस तरीके से अब समाजवादी पार्टी में अखिलेश और आजम खान आमने सामने हैं, तो यहां पर सीधा फायदा वोटों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी को मिलता दिख रहा है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट कफील के साथ मैं निकिता सरीन, इंडिया न्यूज के लिए। तो चर्चा की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले रामपुर के दोनों प्रत्याशियों ने नामांकन किया है, क्या कुछ कहना, चलिए आपको सुनवाते हैं। मैंने समाजवादी पार्टी से पेश किया और मैं पार्लियामेंट वाली मस्जिद नई दिल्ली जामा मस्जिद से कहते हैं वहां से आया हूं। मौलाना आजाद ने वहीं पर जो है इमामत भी फरमाते थे, मौलाना आजाद वहां नमाज भी अदा करते थे, और रामपुर से उनका खास रिश्ता था कि पहला इलेक्शन रामपुर से लड़ा था, इसी सरजमीन से लड़ा था। उस वक्त भी मुल्क बट रहा था, तो मौलाना आजाद ने मुल्क को जोड़ने की इत्तेहाद की आवाज और सदा लगाई थी। आज भी मुल्क में फिक्री तौर पर बंटवारा सा है, नफरतें सी हैं, उनको ख़त्म करने के लिए रामपुर की सरजमीन को ऊपर वाले ने चुना है। और अध्यक्ष जी श्री अखिलेश यादव जी ने मुझे इंसानियत का पैगाम देकर के यहाँ भेजा है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की हैसियत से किया, अब किसको क्या मिला है ये फैसला तो नॉमिनेशन प्रोसेस पूरा हो जाएगा 30 मार्च को, उसके बाद पता चलेगा। जनता समाजवादी के साथ खड़ी हुई है, आजम खान साहब के साथ खड़ी हुई है, इसके अलावा कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। उनके जुर्मों के साथ और उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, रामपुर की जनता दिल खोल के अपने जज्बात का इजहार करने के लिए बेचैन है। रामपुर की सीट आजम खान का गढ़ कहा जाता है, और अखिलेश यादव और आजम खान के बीच में क्या वास्तव में तलखी बढ़ी है टिकटों को लेकर, हमारे साथ मेहमान जुड़ गए। सबसे पहले परिचय, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। अवधेश पांडे बादल, प्रवक्ता बीजेपी, बहुत बहुत स्वागत है। राजकुमार मौर्य, प्रवक्ता कांग्रेस के हैं, बहुत बहुत स्वागत है। जितेंद्र वर्मा जी हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, जितेंद्र जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। निकिता सरीन संवाददाता हमारे लखनऊ से जुड़ रहे हैं। निकिता, चर्चा की शुरुआत मैं आपसे ही करना चाहता हूं। देखिए, आजम खान और अखिलेश यादव को लेकर तलखी जिस तरीके से बढ़ी है, क्या आपको लगता है कि इसका फायदा बीजेपी को होगा? आपको बता दूं, जिस तरीके से आजम खान और अखिलेश यादव आमने सामने हैं कैंडिडेट को लेकर के, एक सबसे बड़ी खबर इस वक्त ये भी आ रही है जिसमें एसटी हसन का जो नामांकन है उसको रद्द कर दिया गया है। वहीं पर समाजवादी पार्टी से जो रुचि वीरा है उनको प्रत्याशी बना दिया है। जिस तरीके से समर्थन नहीं बैठ रहा था दोनों में, क्योंकि जहां पर आजम खान जहां रामपुर और जिस तरीके से गढ़ में उनको काफी मजबूत कहा जाता है, और ऐसे में वो चाह रहे थे कि या तो अखिलेश यादव वहां से चुनाव लड़े और या फिर तो उनका कोई सहमति से परिवार वाला ही प्रत्याशी के रूप में हो, लेकिन फिलहाल इसमें गर्मा गर्मी हुई थी, चर्चाओं पर वार्तालाप नहीं हो पा रही थी, और यही एक वजह है कि आजम और अखिलेश आमने सामने थे। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से ऑलरेडी, चाहे वो रामपुर की बात हो, अपने कैंडिडेट्स ऑलरेडी, मुरादाबाद की बात की जाए, अपने जो कैंडिडेट्स है ऑलरेडी उतार चुकी है, अब ऐसे में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी में कलेश है या इंटरनल पॉलिटिक्स चल रही है, और ऐसे में वोटों को लेकर के अब सीधा तौर पर जो फायदा है वो भारतीय जनता पार्टी को जरूर दिखता नजर आ रहा है। और जिस तरीके से अभी भी मैंने जो लेटेस्ट आपको अपडेट दिया है कि मुरादाबाद से जो सांसद हैं एसटी हसन, उनका पर्चा रद्द कर दिया गया है, और अब रुचि वीरा ही समाजवादी पार्टी की जो अधिकृत प्रत्याशी है वो होंगी, ये अभी फिलहाल जो खबर आ गई है। दोनों ने पर्चा भरा था आपको बता दें, क्योंकि सहमति नहीं बन पा रही थी, और ऐसे समाजवादी पार्टी से फिलहाल एसटी हसन को अधिकृत नहीं किया गया है। सौरभ, बिल्कुल, चलिए अब हमारे साथ जितेंद्र जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। अब इसका जवाब अभी हमारे सहयोगी निकिता को आपने सुना, और जो ये बातें चल रही हैं कि आजम खान और अखिलेश यादव जी के बीच में सब कुछ ऑल इज वेल नहीं चल रहा है, अब इसके विषय में कुछ कहेंगे कि आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि आजम खान आपके बड़े नेता हैं, वो चाहते थे अखिलेश यादव या तो खुद रामपुर से चुनाव लड़े या कोई अपने बहुत करीबी या परिवार का कोई सदस्य हो वहां से उतार देते किसी भी कैंडिडेट को, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है और थोड़ी ये तलखी बढ़ गई है, क्या कहेंगे जी? मुझसे सवाल है जी? जी, जितेंद्र वर्मा जी आपसे ही सवाल है। देखिए, कोई तलखी वगैरह नहीं है, ठीक है,
समाजवादी पार्टी में डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, पार्टी का बड़ा नेता हो या छोटा कार्यकर्ता हो या पदाधिकारी, सभी लोग मुखर होकर अपनी बात पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के सामने, प्रदेश नेतृत्व के सामने रखते आए और रखते रहे। नेताजी के समय से ही हो रहा जी। कोई भी पार्टी का कार्यकर्ता अपनी बात बहुत मुखर होकर रखता था, समाजवादी पार्टी इसके लिए जानी जाती जी। उसी परिप्रेक्ष्य में चाहे आज हमारे वरिष्ठ नेता समाजवादी पार्टी के आजम खान साहब हो, या रामपुर के पदाधिकारी हो, या रामपुर के अन्य कोई पार्टी के नेता हो, और चाहे मुरादाबाद, सभी ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के समक्ष अपनी अपनी बात रखी है। और वहां से देखिए रामपुर से प्रत्याशी ने नामांकन भी कर दिया है। वहां कुछ स्थिति ऐसी आई कि दो कैंडिडेट्स ने नामांकन कर दिया, ठीक। ऐसी स्थिति पहली बार नहीं, कई पार्टियों में आई है, अलग अलग राज्यों में आई है, ऐसा हो गया है। पार्टी नेतृत्व ने टिकट दिया है, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी रही कि हाँ कहीं तालमेल में कहीं पार्टी के पदाधिकारियों से कोई गलत सूचना मिल जाती, कभी रिपोर्ट सही नहीं आई, तो ये सब चीजें भी आ जाती है। लेकिन चलिए जितेन जी, मैं एक आपको रोकना चाहूंगा। अमरोहा में समाजवादी पार्टी के कार्यालय में नोकझोंक की खबर सामने आ रही है, बड़ी जानकारी, ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त ही। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के कार्यालय में नोकझोंक, सपा जिला कार्यालय पर तीखी नोकझोंक की खबर सामने आ रही है। कांग्रेस प्रत्याशी दानिश अली का बैठक में विरोध, बड़ी जानकारी इस वक्त ही। आपको बता दें कि रामपुर मुरादाबाद के बाद अमरोहा में भी फूट देखने को मिल रहा है, सपा समर्थकों ने बताया जा रहा है कि नोकझोंक किया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए नोकझोंक की ये तस्वीर है, सपा जिला कार्यालय पर तीखी बहस की तस्वीर देखिए, किस तरीके से खड़े होकर, ये देखिए धक्का मुक्की भी आ रही है, इसको देखकर आप क्या कहेंगे अभी हमारे, ये देखिए अभी पहले तस्वीर देख लीजिए फिर उसके बाद। चलिए हमारे साथ जितेंद्र वर्मा जी, देखिए अमरोहा की अब बात कर ले तो अभी टिकटों को बंटवारा के लेकर हम चर्चा करें, लेकिन ये नोकझोंक की तस्वीरें आ गई, धक्का मुक्की की तस्वीर आ गई है। जितेंद्र वर्मा जी, इन तस्वीरों को भी लेकर आप कुछ कहेंगे जो हम दिखाएं दर्शकों को? नहीं, देखिए पार्टी के कार्यकर्ता है, आपस में बातचीत हो गई, लेकिन नहीं होना चाहिए। निश्चित तौर पर इस पर समाजवादी पार्टी देखेगी। अनुशासनहीनता में जो लोग शामिल होंगे, समाजवादी पार्टी का प्रदेश नेतृत्व, राष्ट्रीय नेतृत्व संज्ञान होगा। भारतीय जनता पार्टी में जूताखोर जैसी परंपरा समाजवादी पार्टी में नहीं है। सांसद जी थे त्रिपाठी जी, और ठाकुर साहब कितना एक साथ में जूते मारे थे उन्होंने बीजेपी विधायक को, बीजेपी सांसद ने, ये पूरे दुनिया पूरे देश में वीडियो चला था, उसका भी जिक्र हो जाना चाहिए। लेकिन हाँ, निश्चित तौर पर अनुशासनहीनता नहीं, आज परिप्रेक्ष्य में बात होना चाहिए। जीतेन जी देखिए धक्का मुक्की हो रही हो, देखिए जब आज की बात होगी तो भूत की होगी, भविष्य की भी होगी, यही राजनीति है, ठीक है। अपना गिरेबान सब बहुत साफ बताते हैं, अपना चरित्र सब बहुत साफ बताते हैं, सामने वाले पर उंगली उठाते हैं। अच्छा, अगर कोई बहसबाजी हुई है, अगर कोई बातचीत हुई है, तो निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी का जिला नेतृत्व, ठीक है अवधेश जी, ठीक है अवधेश जी, आज की तस्वीर को हम दिखा रहे थे। जितेन जी कह रहे कि अपने उस कांड को भी याद कर लीजिए जिस तरीके से जूता कांड ये कह रहे थे, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो समाजवादी पार्टी रामपुर में जिस तरीके से आजम खान को लेकर अभी थोड़ी तलखी बढ़ी है, जितेन जी नहीं मान रहे थे, लेकिन बीजेपी के आज को फायदा होता दिख रहा है। अनम्यूट कीजिए अवधेश जी, आवाज आ रही है? जी जी पांडे जी बोलिए। हाँ आ रही। विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। इस प्रकार से सपा है, अखिलेश यादव जी की, समाजवादी पार्टी के चाचा शिवपाल यादव जी की किसी से छुपी नहीं है। समाजवादी पार्टी में अनुशासन जैसी कोई चीज नहीं है, चाहे मुरादाबाद हो, रामपुर हो, अमरोहा हो। अभी तो आत्मारपीट भी होगी, अभी तो थोड़े मोड़े प्रदर्शन हो रहे हैं, क्योंकि गठबंधन का कोई वास्तविक धरातल नहीं है। जब स्वाभाविक पार्टियों का गठबंधन होता है, स्वाभाविक दलों का गठबंधन होता है, और दल के अंदर कोई अनुशासन होता है, तब उससे अनुशासन की उम्मीद की जानी चाहिए। समाजवादी पार्टी की संस्कृति ही गुंडाराज की है, समाजवादी पार्टी की कार्य संस्कृति औरंगजेब की संस्कृति है, इसलिए इनसे कोई अनुशासन की उम्मीद नहीं की जानी चाहिए। ठीक है, ठीक है राजकुमार जी, मैं आपका प्रतिक्रिया चाहता हूँ। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी में समय अंदरूनी कलह मचा हुआ है, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, जो है इसके बारे में खाली कांग्रेस पार्टी का दृष्टिकोण यही रहेगा, ये सपा का आंतरिक मामला है, और ये तो हर पार्टियों में होता है। भाजपा में देखिए उधर वरुण गांधी का मामला चल रहा है, और हर पार्टियों में टिकट देने के बाद कुछ ना कुछ विरोध और समर्थन की बातें होती है कार्यकर्ताओं में आपसी, जो है एक प्रकार का ये समझिए कि लोकतांत्रिक
जो है बहस होती है, लोकतांत्रिक मारपीट हो रही है यहाँ होती है तो यहाँ भी हो रही, तो ऐसी कोई नहीं मारपीट भी लोकतांत्रिक है। चले ठीक है आप, तो चले राजकुमार जी आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए, आपकी बात कंप्लीट नहीं हो पाई थी, बीच में ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम में लेकर चलना पड़ा, चलिए आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। मौजूदा घटनाक्रम जो है उसके लिए ये समाजवादी पार्टी का आंतरिक मामला है, इसमें कांग्रेस पार्टी के आंतरिक मामले को कोई हस्तक्षेप नहीं करती। रही बात गठबंधन की, समाजवादी पार्टी का समर्थन लिए इंडिया गठबंधन बनाए हैं, संविधान और संविधान विरोधी ताकतों को जो है हम रोकेंगे। इंडिया ब्लॉक जो बना है उसका उद्देश्य यही है कि संविधान विरोधी ताकतों को रोकना। आपको एक नहीं एक एक जल्दी जल्दी उदाहरण बता देते हैं, जैसे दानिश अली का मामला आया था, देखिए कितनी उनके सांसद विधुरी ने किस तरीके से धज्जियां उड़ाई, तो इस तरीके से समय ज्यादा जाएगा, तो उद्देश्य यही है संविधान बचाना। जो उठा पटक या टिकट अदला बदली हो रही है ये समाजवादी पार्टी का आंतरिक मामला है, और इसमें कहेंगे ये सभी पार्टियों में होता है, लोग समझते हैं लोकतांत्रिक होता, लोकतांत्रिक माहौल होता है पार्टियों में, आपस में समझते हैं, बसरते हम लोग आपस में बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी में ये जो समझ होती है जूतों से होती है। आपने देखा होगा वहां का वीडियो संत कबीर नगर का, किस तरीके से सांसद और विधायक एक दूसरे के ऊपर जूता चलाकर जो है समझ। जितेंद्र चौधरी, जितेंद्र वर्मा जी, जितेंद्र वर्मा जी, रामपुर से प्रत्याशी कौन है ये बता दीजिए, जिसको लेकर पूरा बखेड़ा खड़ा हो रहा है, आप स्पष्ट कर दीजिए, बता दीजिए, सब कुछ क्लियर कर दीजिए, बवाली खत्म। वर्मा जी अनम्यूट कीजिए। जितेंद्र जी आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, आप मुझे सुन पा रहे हैं? अगर आवाज आ रही है, हाँ हाँ बिल्कुल आ रही है। रामपुर की मेन चीज है ये बता दीजिए कि रामपुर में प्रत्याशी आपका कौन है, किसको आप चाह रहे हैं, एक नाम ऐसा सुझा दीजिए ताकि जो हम विषय हमारा है उसी पर रहे, इधर उधर हम मारपीट पे नहीं जाना चाहते, क्योंकि आज हम इसी मुद्दे पर लेकर चर्चा कर रहे हैं, तो डिरेल ना हो डिबेट। आपकी आवाज नहीं आ रही, मैं टेक्निकल टीम से कहूंगा आपको रिकनेक्ट किया जाएगा। ठीक है निकिता, मेरा सवाल आपसे कि जिस तरीके से ये पूरा बखेड़ा खड़ा हो रहा है टिकटों को लेकर, आपसी असमंजसता की स्थिति बनी हुई है, क्या लगता है आपको कि वास्तव में समाजवादी पार्टी ने होमवर्क कम किया था क्या? देखिए सौरव, जिस तरीके से अभी एक लेटेस्ट अपडेट और भी आ रहा है मेरे पास, वो भी मैं आपको बता देती हूँ और उसके बाद मैं आपका इस सवाल का भी जवाब दे दूंगी कि जिस तरीके से अब समाजवादी पार्टी के रामपुर सीट से जो मोहिबुल्ला नदवी हैं उनको उतारने पर जिस तरीके से पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान और समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के बीच में जो तकरार है अब आ सकती है, क्योंकि जिस तरीके से अब कहा जा रहा है कि यहाँ पर आजम खान की जो जीत है वो मानी जा रही है। और आपको ये बात भी बता दूं कि जो होमवर्क जिस तरह से आपने बोला है और जहां पर जिस तरीके से एचटी हसन का जो नामांकन है वो रद्द हुआ है और इलेक्शन के तरफ से जो है एक नया पर्चा दिया गया है जो रुचि वीरा है उनको, तो कहीं ना कहीं इसको भी आजम खान की जीत बताया जा रहा है। और ऐसे में अब जो विवाद है वो भी बढ़ते नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से ये जो पूरा सस्पेंस था दो नामांकन का, जो अमूमन नहीं होता है, जो सस्पेंस था वो अब कहीं ना कहीं खत्म होता जरूर दिख रहा है, क्योंकि निर्वाचन जो जिला निर्वाचन अधिकारी हैं उन्होंने पर्चा ही रद्द कर दिया है। और ऐसे में एक अहम जानकारी और आ रही है कि जो डैमेज है समाजवादी पार्टी के डैमेज कंट्रोल के जो प्रयास है वो यहाँ पर शुरू हो गए हैं, और सूत्र ये भी बता रहे हैं, सूत्रों के हवाले से एक खबर और हमारे पास आ रही है कि शीघ्र ही आजम खान को मनाने अब समाजवादी पार्टी के जो महासचिव हैं शिवपाल यादव फिलहाल वो सीतापुर जेल जाएंगे उनको मनाने के लिए। वहीं आपको बता दें कि मुरादाबाद के जो प्रत्याशी हैं उनको लेकर कन्फ्यूजन दूर हो गया है, और जिस सीट पर मंगलवार को मौजूदा सांसद और बुधवार को पूर्व विधायक रुचि वीरा ने समाजवादी पार्टी। जितेंद्र वर्मा जी, ठीक है जितेंद्र वर्मा जी,
रूटों को कैसे बनाया जाएगा, कैसे सीटों के जो समीकरण है गणित कैसे सेट, प्रत्याशी का नाम बताइएगा, प्रत्याशी का नाम भी क्लियर कर दीजिए। पार्टी का कैंडिडेट घोषित हो गया है, उसमें क्या कहना है, पार्टी कैंडिडेट चुनाव लड़ेगा। नाम बताइए नाम बता दीजिए, हम वही चला देंगे, जो आप कहेंगे उसी को चला देंगे। रघुवीर जी समाजवादी पार्टी प्रत्याशी उसमें घोषित हो चुके हैं, उसमें क्या है, उसमें रामपुर से नाम बता दीजिए, जितेंद्र जी नाम बता दीजिए, जो आप कहेंगे वही ब्रेकिंग न्यूज। अरे मोहिला नदवी जी का नामांकन हो गया, अब क्या बचा है वहां, उसमें कहना है कुछ, पार्टी के घोषित प्रत्याशी है वो, उसमें कुछ कहने को बचा है, यदि कोई नामांकन कर दे रहा है हमारे कैंडिडेट तो वही कैंडिडेट। आसिम रजा क्या कह रहे हैं, आसिम रजा अभी तो कुछ कह रहे थे, वो पार्टी के साथ है आसिम रजा, अभी क्या कह रहे हैं उस पर मत जाइए, वो हमारे पार्टी नामांकन के बाद बयान सुनवाऊं क्या, वो सारी चीजें, अभी नामांकन वापसी का भी तो टाइम होता है भैया, नामांकन वापसी का तो टाइम होता है ना, उन्होंने तो साथ ही साथ नामांकन कर दिया, तो चलिए बयान सुनाते फिर, बयान सुन लीजिए क्लियर हो जाएगा भाई, देखिए बयान सुन लीजिए क्लियर, पीसीआर टीम बयान सुनाइए क्लियर हो जाएगा अपने आप, बताइए होता है कि नहीं। चलिए जितेंद्र जी कहीं नहीं जाएंगे, सुन लीजिए ना, और मैं पार्लियामेंट वाली मस्जिद नई दिल्ली जामा मस्जिद से कहते वहां से आया हूँ, मौलाना आजाद ने वहीं पर जो है इमामत भी फरमाते थे, मौलाना आजाद वहाँ नमाज भी अदा करते थे, और रामपुर से उनका खास रिश्ता था कि पहला इलेक्शन रामपुर से लड़ा था, इसी सरजमीन से लड़ा था, उस वक्त भी मुल्क बट रहा था, तो मौलाना आजाद ने मुल्क को जोड़ने की इत्तेहाद की आवाज और सदा लगाई थी। आज भी मुल्क में फिक्री तौर पर बंटवारा सा है, नफरतें सी हैं, उनको खत्म करने के लिए रामपुर की सरजमीन को ऊपर वाले ने चुना है, और अध्यक्ष जी श्री अखिलेश यादव जी ने मुझे इंसानियत का पैगाम देकर के यहाँ भेजा है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की हैसियत से किया, दूसरे जो प्रत्याशी ने किया उनका आरोप है कि वो समाजवादी का सिंबल उन्हें मिला है। अब किसको क्या मिला है ये फैसला तो नॉमिनेशन प्रोसेस पूरा हो जाएगा 30 मार्च को, उसके बाद पता चलेगा। जनता समाजवादी के साथ खड़ी हुई है, आजम खान साहब के साथ खड़ी हुई है, इसके अलावा कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, उनके जुर्मों के साथ खड़ी है। वर्मा जी अब क्या एक एक ही सीट से दो दो आपके कैंडिडेट नामांकन करेंगे, क्या ऐसा होता है क्या? अब देखिए हमने दोनों को बयान सुना दिया, आप बताइए, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आपको बोलना है, दर्शक भी समझ रहे हैं, साफ कह रहे हैं, हाँ, मैं कुछ नहीं, आपके आपके नेता कह रहे हैं, मैं तो क्या कहूंगा, वो तो साफ साफ कह रहे हैं कि नामांकन वापसी का तारीख भी तो होता है ना, वही तो बात मैंने कहा था आपसे, नामांकन की वापसी का भी तारीख है, पार्टी के साथ है, पार्टी के नेता है, पार्टी के कार्यकर्ता है, और रामपुर का एक एक पार्टी के कार्यकर्ता नेता और जनता। अच्छा ये बताइए अमरोहा से कमल अख्तर ने पर्चा खरीदा क्यों है? अरे तो पर्चा तो कोई भी खरीद सकता है, पर्चा खरीदने में कोई मनाही नहीं है, तो है आपके, वो भी तो है आपके ही, कोई भी है ना, हमारे रहेंगे है, हमारे रहेंगे, पार्टी जिसको देगी वही लड़ेगा। वर्मा जी फंस गए आज आप कहते कोई फंस नहीं गए भैया, आपने अभी हमने भी टिकट मांगा था 22 में, नहीं मिला है, नहीं लड़े आगे, नेता का आदेश पार्टी का आदेश सर्वोपरि होता है, वो भी हम भी नामांकन खरीद लाए थे, सोचे थे मिल जाएगा भर देंगे, है नहीं मिला टिकट, तो वही वो भी सोच रहे होंगे कि मिल जाएगा भर देंगे, तो फंस कहां गए उसमें, हम तो जवाब दे रहे हैं। कार्यकर्ता कंफ्यूज हो जाएंगे, कार्यकर्ता किसको किसके साथ जाना है, अब आप समझ लीजिए, सपोज आप दो भाई हैं, ठीक है अब मैं समझ गया, फंस गए वर्मा जी, आज आप नहीं बोल पा रहे, ठीक है अवधेश जी आप क्या कहेंगे, देखिए किस पशु पेश में समाजवादी पार्टी है, वर्मा जी बहुत मुखर प्रवक्ता है लेकिन आज बोल नहीं पा रहे। देखिए समाजवादी पार्टी की नजर डूब रही है, एक नहीं एक सीट पर ये 10 कैंडिडेट खड़े कर दे, हारना इनका तय है, उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीट भारतीय जनता पार्टी रिकॉर्ड बहुमत से जीत रही है, और अब की कोई भी चाहे वो समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो, तो लोगों ने देखा है किस प्रकार से उत्तर प्रदेश में इन्होंने दंगे का प्रदेश बना दिया, किस प्रकार से उत्तर प्रदेश को घोटालों का इन्होंने प्रदेश बना दिया, किस प्रकार से इन्होंने रिकॉर्ड है आतंकियों के पैर आतंकियों के मुकदमा वापस करने की इन्होंने घोषणा की, जंगल राज इन्होंने स्थापित किया, इनके सरकार में कालकुन का राज समाप्त हो गया था, ये रामपुर के आजम खान की और अखिलेश यादव जी के अहंकार की लड़ाई है, ये समाजवादी पार्टी के रामपुर के जो आजम खान है जो अपने को सुपर सीएम समझते हैं, और अखिलेश यादव जी के अहंकार की लड़ाई है, और इनका अहंकार समाप्त होगा,
और उत्तर प्रदेश में एक भी सीट समाजवादी पार्टी जीतने वाली नहीं है। 80 की 80 सीट भारतीय जनता पार्टी रिकॉर्ड बहुमत से जीतेगी और अब की बार 400 पार का नारा बुलंद होगा। अरे दोनों गुजरातियों को भगाएंगे उत्तर प्रदेश से। चलिए अभी तो वक्त बताएगा। उदय जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, राजकुमार जी बहुत बहुत शुक्रिया, जितेंद्र वर्मा जी बहुत बहुत शुक्रिया, निकिता आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए पेट फंस गया है टिकटों को लेकर, आपस में ही अब गुत्थी उलझ गई। समाजवादी पार्टी इस गुत्थी को कैसे उलझा, उलझी हुई गुत्थी को कैसे सुलझाती, इसको लेकर आप देखते रहिएगा और समझते रहिए कि राजनीति में ऊंट किस करवट बैठेगा ये भी अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। और समाजवादी पार्टी में हाई वोल्टेज का ड्रामा जारी है। ऐसे बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतने, नमस्कार।